के बैठा है महाराज तैयार होके। हम दोनों ने मैचिंग मैचिंग पहना दादी। डॉगी भी जा रहा है हमारे साथ थकी में। भंडारा खाने के लिए बैठे हैं सारे। हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल इट्स आज बहू रेसिपी व्लॉग। एक नए व्लॉग की शुरुआत आप सभी के साथ। तो अभी हो रही है मॉर्निंग, मॉर्निंग के बज रहे हैं 7:30। वैसे हमें 7 बजे जाना था बट 7:30 हो गए एंड यहाँ पे धूप भी निकल गई इतनी अच्छी वाली। लेट हो गए थोड़ा जाने में। नहा धो तो लिया, मैंने नहा लिया, समुन ने नहा लिया, उसके पापा ने नहा लिया, मम्मी ने नहा लिया, अब दादी पापा और पंकज बचे हैं बस नहाने के लिए। तो वो नहा लेंगे तो उसके बाद निकलते हैं रेडी होके फटाफट, क्योंकि आ जाना है हमें ऊपर मंदिर में, भवना मंदिर, भवना देवी मंदिर है हमारे यहाँ पे माता रानी का, जाना मना है, लोग आते जाते रहते हैं वहाँ पे बहुत सारे। आज शायद वहाँ पे कौथिक भी लगा है आई थिंक, दादी बोली थी कौथिक यानी मेला लगता है यहाँ पे, तो उसमें लेडीज़ पूरा सज धज के जाती थी। अब तो कम हो गया, अब तो जाती ही नहीं है बिल्कुल भी, बट पहले जाया करती थी, एक बार मैं भी गई थी। बट देखते हैं क्या क्या होता है वहाँ जाके। अब मैं पहनूंगी साड़ी तो मैं जल्दी रेडी हो जाती हूँ, नहीं तो सबसे ज़्यादा टाइम मुझे ही लगने वाला है क्योंकि, तो साड़ी पहन लेती हूँ। एंड आज शिवांश भी उठ गया था 3 बजे से, तब से मैं जगी हुई हूँ आज यहाँ गाँव में, तो अभी तक सोया नहीं है, क्या पता अभी सो जाए, अभी सुलाना तो नहीं है, ले जाएंगे रास्ते में, सो जाएगा तो कोई नहीं। तो चलते हैं और रेडी होते हैं फटाफट। दादी जा रही है, ये बैठा है महाराज तैयार होके, अभी पैंट नहीं पहनी, उसके पापा भी रेडी हो गए और देखो कमरे की हालत क्या, और क्या ये सारा सेट करना है आने के बाद। गाइस मैंने वेयर किया है ये साड़ी ब्लू एंड पिंक और पहना आज गुलबंद। चले बाकी सब भी रेडी हो गए, पंकज रेडी हो गया, दादी रेडी हो गई, सुनू भी रेडी है, समू तो कब का रेडी, मम्मी भी रेडी है, बस थोड़ी सी चाय पी रही है। अब निकलते हैं जल्दी जल्दी क्योंकि लेट हो गया है। मेरी दादी, हम दोनों ने मैचिंग मैचिंग पहना दादी है ना। चलो रेडी गेट सेट गो। सो गाइस हम निकल गए हैं, अभी मेरे पल्ला ऊपर कर दिया, खुला पल्ला ही लेके आई हूँ, चलने में प्रॉब्लम होती है, साड़ी पहननी नहीं थी बट मंदिर जा रहे थे तो मैंने सोचा साड़ी पहन लेती, इसलिए मैंने साड़ी पहन ली। पानी आ गया, डॉगी भी जा रहा है हमारे साथ। काला कुत्ता तो वैसे भी भैरव बाबा का होता है, रास्ता तो अभी बहुत लंबा है, अभी तो हम पहुंचे भी नहीं है और आज हम लेट हो गए, जल्दी था एक्चुअली, हम लेट हो गए हैं एंड साड़ी में चढ़ाई इम्पॉसिबल। और समू तो 3 बजे से उठ रखा है, अभी तक सो नहीं रखा है, पता नहीं कब सोएगा, परेशान करने शुरू कर देगा बीच रास्ते में, चलते उसके सोने से पहले पहुंच जाए तो वहाँ मंदिर में थोड़ा घंटी वंटी सुन के ना सोएगा नहीं, अभी पहुंचने में तो बहुत टाइम लगेगा, वो ऊपर जाना है, बहुत ऊपर है। मेरी सास तो यहीं पे चढ़ने लगी, इसलिए कहते हैं पतला आना चाहिए ना, मोटी हो गई मैं, कोई नहीं कर लेंगे अब तो, चलते हैं दिखाते हैं आपको, आपको भी करवाते हैं दर्शन। तो हमने जाना है वहाँ झंडा लगा जा, ओ भाई बाकी सब चले गए, मेरी साड़ी में नहीं चला जा रहा में पीछे रह गई, तो चलते हैं जय माता दी। बहुत थकान लग गई, थक गई मैं, कर रहे हैं सारे रास्ते तो सीधा रास्ता है, अभी तो खड़ी चढ़ाई हूँ आगे। ओ भाई कितना अच्छा पार, यहाँ पे एक मंदिर है तो यहाँ पे भेंट चढ़ा रहे थे पहले, ये घंटे बजा रहे हैं। यह रोड ऐसे गाड़ियाँ भी जाती है वहाँ तक, बट पैदल जाने में जो पैदल यात्रा करने में जो मजा है वो कहीं नहीं है, पहले थकान लगती है पर खुशी होती है हम चल के गए। ऐसे वहाँ तक रोड भी वो भी गई है गाड़ी, लेकिन हम फिर भी पैदल जा रहे हैं, पैदल जाने में जो मजा है गाड़ी में, थकान लगती है भले पर ये रहता है, माता के दर्शन पैदल करने गए थे, तो चलते देखते कब तक पहुँचते जय माता दी। तो समू को ले जा रहे पापा और वो पापा के कंधे में ही सो गया सर पे।
जगह होता मैं इसे सुला रही थी कि हाँ निकलो उठा भी देंगे, तो कोई नहीं नींद तो थोड़ी सी रही, अब सो रहा है वो भी कंधे में। अब ऐसा तो नहीं घर जा सकते हैं, पर जाना ही पड़ेगा, चलते जल्दी जल्दी। तो गाइस फाइनली बस थोड़ा सा और सफर बचा है जरा सा, और हम पहुंच गए उसके बाद। और यहाँ का व्यू देखो पीछे क्या गजब का, अभी तो हिमालय भी दिखता है ऊपर, वहां से दिखता है माता रानी का भवन। तो अब चलते हैं, फिर मिलेंगे आपसे सीधा ऊपर, अब यानी माता रानी के मंदिर में। सो फाइनली गाइस मंदिर दिख गया, वो भैया सब पहुंच गए। ये बेहतर पे हाथ तो लगा है। नीचे रहता
फाइनली पहुंच गए थे एंड हमने भेंट वगैरह भी चढ़ा दी है। अब आगे मंदिर थोड़ा और घूमते हैं। बड़े बड़े ये तो अब हम जा रहे हैं भैरव मंदिर दर्शन करने के लिए। और भैरव मंदिर मंदिर ऐसे गुफा में नीचे। जय माता दी, जय माता शिव। सुनो कह रहे फिर से चढ़ाई आ गई। पर किसी को छू रहे थे मंदिर पानी की टंकी। यहाँ से व्यू देखो कितना अच्छा। उस साइड दिखता है हिमालय वट, अभी नहीं दिख रहा है इस बार। वहाँ दिखता है पूरा बर्फ से ढका रहता जा। घर छोटे छोटे बना रखे हैं अलग अलग माताओं के साथ। जब दर्शन हो गए हैं आप खिंचवा लेते हैं फोटो थोड़ी सी। एक माता रहता है नीचे जाके, यहाँ प्रसाद भी बनता है साइड में। तो ये हमारे गांव के ढोल नगाड़े जो होते हैं वो बसते हैं, जो सुपरस्टार पर बसते हैं। और ये मंदिर लोग आ रखे काफी। तो ये मंदिर पूरा बन गया, अभी बना है मंदिर। हैं प्रसाद लेने जो कि वहाँ पीछे बट रहा है, तो वहाँ पे से प्रसाद लेके आते हैं अपने लिए। क्या हो गया गरीब? चलो ऐसा क्यों? यहाँ पे भंडारा खाने के लिए बैठे हैं सारे। यहाँ पे सबसे ज्यादा बैठना नीचे, पत्तल तो लगाएंगे। एक और भाई इसमें रख दे सब्जी, तो पानी निकाल के बोलो। तो ये आलू की सब्जी, पानी नहीं गिलास मिलेगा। ए डाडू से ज्यादा नहीं रख के गया बंदा। मैंने सोचा बड़ा उसमें लूंगी, देखना। हलवा यही पूरी पानी नहीं पिला भी, पानी लेने गया है वो। ये पानी तो ये हमारे भंडारे की पानी गिलास का पानी खाते हैं स्टार्ट कर। प्रसाद वगैरह ग्रहण कर लिया है, बहुत टेस्टी होता है प्रसाद। आप चलते घर की ओर। ओ गाड़ी को देख रहा हो, इसका इतना ढीला क्यों बांधा है बीप? जय जय घंटी की आवाज सुन के कर रहा हो। चलो घर चलो। तो आ गए हम वापस, वहाँ पे ना गुंबद लग रहे ऊपर माता रानी के, मतलब वो जो होते हैं ना क्या गुंबद बोलते हैं, क्या बोलते हैं मम्मी इनको, कुछ बोलते हैं आई थिंक, आई डोंट नो, ये बोलते हैं बोलते हैं। और काफी लोग आ रहे हैं वहाँ पे। एक्चुअली यहाँ पे कौथिक लगने वाला था, पहले लगता था यहाँ पे मेला लगता था पूरा जहाँ पे हम चल रहे हैं इस जगह पे, बट अब इतना नहीं लगता है। बट लोग बहुत आ रहे हैं इस बार, देखो पीछे भीड़ लगी हुई है मंदिर में पूरी। हाँ दौड़ 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 दौड़, सीधा निकल जाइए, बिल्कुल सीधा चली जा। हाँ सीधा निकल जा, सीधे 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 चली जा, मुड़ मत। कैसे जा रहे हैं? असली मजा तो उसी के, और क्या नीचे आते अगली गोदी में, वही तो गोदी गोदी बस। चाय पानी तो जरूरी है उसके लिए। चढ़ ले सबको, देखो कैसे कर रहेगा सर, कैसे रख रहेगा। दो लोग मेरे रास्ते से आए, हम यहाँ से आए, वो वहां से आए। यहाँ से जल्दी आ जाते तुम, ज्यादा जल्दी थोड़ा सा रास्ता बचा उतना उतरना है बस, फिर पहुंच जाएंगे घर अपने।
मम्मी ने यहाँ पे पेड़ था गुलाब का, वहां से गुलाब तोड़ के अपने बालों पे लगा लिया। देखो फाइनली बस घर पहुंच ही गए जरा सा यहाँ से। तो ओ भाई हम वहाँ ऊपर बैठ गए थे अपने दादाजी और हैं बड़े उनके घर पे, थोड़ी सी बातचीत पानी वानी पिया क्योंकि थकान लगी थी, घर आने का मन ही नहीं कर। तो अब चलते घर, सब को नींद भी लगी है। तो सो गाइस फाइनली घर पहुंच गए, अब उतारते अपने कपड़े वपड़े, बहुत थकान हो गई पैरों में ऐसा दर्द हो गया गंदा वाला। चिमी क्या हो गया तो बस अब चेंज करते हैं एंड इस ब्लॉग का एंड यहीं पे करते हैं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आता है वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट कर देना, सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलना ताकि नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय गाइस।